पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। बता दें कि पहले भी जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज और भगवान राम को लेकर के बयान दिया था, तब काफ़ी बवाल हुआ था बिहार की राजनीति में। लेकिन कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर एक समारोह में पहुंचे थे और वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम को हम भगवान नहीं मानते हैं, वो तुलसीदास के काव्य मात्र थे और उन्होंने सबरी का जूठा बेर खाया था। लेकिन आज के जो ब्राह्मण हैं, आज के जो अपने आप को हिंदू ब्राह्मण मानते हैं, वो हमारा जूठा खा करके दिखाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। झूठ बोलते हो, ऐसे लोगों से पूजा कराना चाहिए। पूजा जो सच्चा पुजारी हो वो पूजा करावे के बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को कहीं चले जाओ। बड़े लोग पूजा करा करा करके आज बड़े लोग हो गए, तो बात नहीं है। अब तुम क्यों उस दक्षिणेश्वर चार में जा रहे हो जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी, आवाज माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से, आज भी आप लोग सुन लो, कल से पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निर्मित किया है। तो काव्य जो है, महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बात नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम तो ये राम को मानते हैं, तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हमने देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ हमें क्या देते हैं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को, जिन्होंने कहा है कि भगवान नहीं है राम जी, वो सिर्फ एक काल्पनिक है, उनको हम भगवान नहीं मानते हैं। इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने पहले भी बयान देते रहे हैं और आज भी एक बार फिर से भगवान राम को लेकर के बयान दिया। अब देखना होगा इस पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है इस वक्त बिहार में सरकार में है और NDA के मुख्य सहयोगी भी हैं और लगातार सरकार के साथ बने हुए हैं। लेकिन जब जब मौका आता है वो ब्राह्मण समाज और भगवान राम को लेकर के कहीं ना कहीं विवादित बयान देते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।